स्टार्टिंग द चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखो अगर आप सभी कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज में डिवाइड करना शुरू करें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, यू कैन ग्रुप ऑल द कंपाउंड्स इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स बेसिस क्या होते हैं इनके बारे में आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, लाइक एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ओके, ये आपने थोड़ा बहुत जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है इनके बारे में, बट इस चैप्टर में मेनली हमने करना क्या है, हमने एसिड्स और बेसिस को डिटेल में जाके पढ़ना है, इनके बारे में पूरी डिटेल्ड स्टडी करनी है। ओके, बट बिफोर दैट एसिड्स और बेसिस और सॉल्ट्स को डिस्कस करने से पहले जो हमारा आज का टॉपिक हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, दैट विल बी इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच टेल्स अबाउट वेदर गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो आपको बता देते हैं कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें एक लिक्विड पड़ा है, इट कैन बी एसिड और बेस। मेरे को डाउट है कि ये एसिड है कि बेस है, पर इन दोनों में से एक है ये मेरे को पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें इंडिकेटर डालूंगा। इंडिकेटर डाल के मेरे को क्लैरिटी हो जाएगी कि इज इट एसिड और बेस। ओके, जो इंडिकेटर्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप, डाई इंडिकेटर्स, मोस्टली ये लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे डाइज होती हैं कपड़े रंगने वाली वैसी कलर्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक, जो डाई इंडिकेटर है जब आप इनको किसी एसिड और बेस में डालोगे तो ये अपना कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, और उस कलर चेंज से आपको पता लग जाता है कि आपका सब्सटेंस एसिड है कि बेस। और दूसरी तरफ होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अपनी स्मेल में चेंज लेके आते हैं, जब एसिड में डालोगे तो उनकी स्मेल डिफरेंट हो जाएगी, बेस में डालने पे डिफरेंट, और वैसे उनकी स्मेल डिफरेंट होती। ठीक है, तो ये दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। और ये जो दो टाइप्स में से सबसे पहले डाई इंडिकेटर वाले टाइप है, अब हम पहले वो पढ़ेंगे। What do you mean by dye indicators? These are the dyes that changes color when put in acids or bases. Three most common indicator जो लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं वो कौन से हैं? Litmus, phenolphthalein, methyl orange. जो litmus है ये natural dye indicator है, हमें नेचर से मिलता है। जो फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज हैं, ये सिंथेटिक डाई इंडिकेटर्स हैं, ये हम लैब में खुद बना सकते हैं। तो ये तीन तरह के डाई इंडिकेटर हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। इनके अलावा भी कई सारे डाई इंडिकेटर्स हैं नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक, बट हम मेजरली लैब में इन तीनों को ही यूज करते हैं टू डिटेक्ट वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ठीक है, जो लिटमस है इसका जो खुद का नेचुरल कलर होता है दैट इज पर्पल, जैसे ये पर्पल है ना वैसा कलर दिखता है। जब लिटमस को आप एसिड में डालते हो तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लिटमस सॉल्यूशन को आप बेस में डालते हो तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। पर्पल टू रेड इन एसिड, पर्पल टू ब्लू इन बेस। तो अगर आपने कोई अननोन सब्सटेंस लिया, आपने उसमें लिटमस सॉल्यूशन डाला, आपने देखा लिटमस सॉल्यूशन रेड कलर का हो गया, यहां से क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है
ये एसिड एक सोल्यूशन है, ये कोई ना कोई एसिड है, और अगर यही रेड की बजाय ब्लू में कन्वर्ट हो जाता तो मतलब ये जो सोल्यूशन है ये बेस है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर फिनॉल फथलीन, ये इसका जो नेचुरल कलर है वो कलरलेस है, जैसे पानी दिखता है ना वैसे ही दिखता है, इसका कोई कलर नहीं है। सर इसको फिर फाइंड कैसे करते हैं? वो जब तुमने बनाया होगा लैब में प्रिपेयर किया होगा तो हमें पता ही होगा कि हमने ये फिनॉल फथलीन बनाया है, इसकी बॉटल के ऊपर टैग तो लगा ही होगा इसका फिनॉल फथलीन का। सर नेचर में सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है। ओके सर, ये सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक, ये आपका कलरलेस होता है। जब इसको एसिड में डालते हैं एसिड में भी कलरलेस ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता इसके कलर में। जब इसको बेस में डालते हो तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, या आप बोल लो कि जिस ये जो सोल्यूशन है बेस का, इसमें जैसे ही आपने फिनॉल फथलीन की 2-3 ड्रॉप डाली तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन पिंक हो जाए। पिंक होने का मतलब क्या है कि ये जो सोल्यूशन लिया है दिस इज बेस, क्योंकि फिनॉल फथलीन कलरलेस से पिंक कब होते हैं, जब उनको बेस में डाला जाए। सिमिलरली थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, इसके नेम में ही ऑरेंज है, इसका नेचुरल कलर कौन सा होता है? ऑरेंज। जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालो तो ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? रेड। आप ऐसे याद कर सकते हो, रेड फॉर डेंजर, रेड फॉर एसिड, मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स जो है वो रेड कलर शो करते हैं एसिड्स के साथ। तो मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है, ऑरेंज टू रेड हो जाता है किसमें? एसिड में। और ऑरेंज से येलो हो जाएगा किसमें? इन केस ऑफ बेस में। अब इनको याद रखने के लिए मैंने ये स्पेलिंग से बना रखे हैं निमोनिक टाइप, जैसे लार, ठीक है, थूक को लार भी बोलते हैं, ओके, लार, एल ए आर, लिटमस एसिड में रेड, LBW सुना होगा क्रिकेट में, लिटमस बेस में ब्लू, पैक फिनॉल फथलीन एसिड में कलरलेस, ABVP सुना होगा आपने, ABVP ये शायद कोई न्यूज चैनल है, वैसे ही है PBP फिनॉल फथलीन बेस में पिंक, मार, इससे तो आप फैमिलियर ही हो, बचपन में पढ़ी होगी बहुत ज्यादा, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, MBA सुना होगा आपने, ये कोर्स होता है ना मास्टर ऑफ बिजनेस अकाउंटेंसी, MBY नहीं सुना होगा, वो अब सुन लो, मिथाइल ऑरेंज बेस में येलो। वैसे तो आपको बिना इनके ही याद हो जाएगा कि लिटमस पर्पल से रेड हो जाता है एसिड में, पर्पल से ब्लू हो जाता है बेस में, फिनॉल फथलीन कलरलेस से कलरलेस ही रहता है एसिड में और बेस में डालने पे पिंक हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज से रेड हो जाता है एसिड में, ऑरेंज से येलो हो जाता है बेस में। आपको इनकी शायद जरूरत ही ना पड़े, बट अगर पड़े तो इनको एक बार अच्छे से याद करके मेमोराइज कर, ओके। अब हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स को और सिंथेटिक इंडिकेटर्स को। सिंथेटिक का तो हमें पता लग गया, नेचुरल में सिर्फ लिटमस नहीं है, कुछ डे टू डे लाइफ में हम हर्ब्स और वेजिटेबल्स यूज करते हैं, वो भी नेचुरल इंडिकेटर ही हैं, उनके बारे में अब पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल डाई इंडिकेटर्स इन डिटेल। जो लिटमस है सबसे पहले तो उसकी ही बात करते हैं। लिटमस आपको पता है नेचुरल इंडिकेटर है पर्पल कलर का, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द लीचन प्लांट, प्लांट का नाम है लीचन, और ये जो लीचन प्लांट है इट बिलोंग टू द थैलोफाइटा डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। आपने सुना होगा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये बायो में सुना होगा, मेरी बायो में बायो इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट आपको ये तो पता है ना कि प्लांट्स में होता है थैलोफाइटा किंगडम। तो थैलोफाइटा किंगडम की जो डिवीजन है उसी को बिलोंग करता है
लीचन प्लांट, और उसी लीचन प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है उसको लिटमस बोलते हैं, और ये पर्पल कलर का होता है। ओके, बट आप बोलोगे सर नहीं हमने तो कभी सुना ही नहीं, हमने जूनियर क्लासेस में सुना था कि लिटमस दो तरीके का होता है, रेड लिटमस ब्लू लिटमस, ठीक है वो इस तरह। ये जो आपके पास पर्पल लिटमस है अगर उसको उसमें थोड़ा सा एसिड मिला दोगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लिटमस लेके उसमें थोड़ा सा बेस मिला दोगे तो वो ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा एसिड मिलाने के बाद जो रेड कलर का सोल्यूशन बन गया उसको बोल देते हैं रेड लिटमस, और थोड़ा सा बेस मिलाने के बाद जो ब्लू कलर का सोल्यूशन बन गया उसको बोल देते हैं ब्लू लिटमस, ठीक है। वैसे लिटमस का नेचुरल कलर पर्पल होता है। थैलोफाइटा डिवीजन में लीचन प्लांट, लीचन प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिटमस जो कि पर्पल कलर का होता है, और जो एक नेचुरल इंडिकेटर। हमारे पास और सारे डे टू डे लाइफ में हर्ब्स और केमिकल हम यूज करते हैं जिनको एज अ इंडिकेटर लिया जा सकता है, उनमें से एक दो एग्जांपल अभी करेंगे। फॉर एग्जांपल टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। आपको पता है टर्मरिक येलो कलर की होती है, टर्मरिक को अगर किसी बेसिक सोल्यूशन में डाला जाए, बेस वाले सोल्यूशन में, तो वो रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। एसिड में कोई चेंज नहीं आता, बेसिक सॉल्यूशन में वो रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तभी आपने देखा होगा अगर किसी व्हाइट क्लोथ पे हल्दी का दाग लगा हो, जैसे कड़ी वगैरह गिर गई हो, तो उस हल्दी के दाग को अगर सोप सॉल्यूशन से वॉश करोगे तो वो धुलने के बजाय और गाढ़ा हो जाता है और वो रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो सोप का सॉल्यूशन होता है ये बेसिक नेचर का होता है, इसका नेचर बेसिक होता है। तो इससे अच्छा उस कपड़े को आप सिंपल नॉर्मल वाटर से वॉशिंग करो, ना कि सॉप वाटर से, क्योंकि सॉप वाटर से करने पे वो रेड ब्राउन कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और गाढ़ा। ठीक है सर, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो नाउ? यस सर। टर्मरिक पाउडर इज नेचुरल इंडिकेटर विच टर्न्स रेड ब्राउन इन बेसिक सॉल्यूशन। तभी हम कड़ी वाला जो दाग है उसको अगर सोप सॉल्यूशन से वॉश करेंगे वो रेड ब्राउन कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सोप सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। दूसरा रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी भी आती है वो बात अलग है, इंडिया में इतनी फेमस नहीं है ये, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। उसका अगर रस निकाल लें हम तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होगा। जो बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का और एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहेगा। ओके, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। दूसरी तरफ सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक डाई इंडिकेटर फिनॉल फथलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये तो आपने हमने पढ़ी लिया। ओके, उसके बाद है, ये तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर हमने डिस्कस किए, हमने बोला था ना इंडिकेटर विल बी ऑफ टू टाइप, डाई इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। डाई इंडिकेटर तो लग गया पता, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। These are those substances whose smell changes in acidic or basic solution. ये वो वाले indicators हैं जो अपनी smell में change लाके बताएंगे कि आपका जो substance है वो acid है कि base। जैसे onion, onion की smell आपको पता है कैसी होती है, and vanilla, vanilla ice cream कभी ना कभी तो खाई होगी। Okay? अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, इनके जो रस होते हैं वो भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ही है। ये जो इनके एक्सट्रैक्ट हैं, इनको अगर आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो आप देखोगे कि इन एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल है वो लॉस हो जाएगी, वो स्मेल नहीं आएगी। वेयर एज अगर अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट को किसी एसिड में डालोगे
तो उनकी स्मेल एज सच ही रहती है, जैसे आपने सिरके वाला प्याज खाया होगा। सिरके में क्या होता है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड की वजह से अनियन की स्मेल खत्म हो जाती है, नहीं एज सच रहती है स्मेल उसकी। वेयर एज अगर वही अनियन का एक्सट्रैक्ट या अनियन लेके उसको आप सोप सॉल्यूशन में डिप करके देखना थोड़ी देर 4-5 मिनट के लिए, आप देखोगे कि जो अनियन का एक्सट्रैक्ट है उसकी स्मेल आनी बंद हो जाएगी। आपको लगेगा आपको कोरोना हो गया है, बट एक्चुअल में वो कोरोना नहीं है, वो अनियन की स्मेल आनी बंद हो गई, क्योंकि अनियन जो है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। जब उसको सोप सॉल्यूशन में डाला तो सोप सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, ठीक है, जो बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है वो अनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वनीला की स्मेल को भी। अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड देयर स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन बेसिक सॉल्यूशन, वेयर एज एसिड सॉल्यूशन डज नॉट डिस्ट्रॉय इट्स स्मेल। एसिड सॉल्यूशन इन दोनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, तभी सिरके वाले प्याज से स्मेल आती रहती है, जो प्याज की करेक्टरिस्टिक स्मेल है वो वाली। ओके, तो इस तरह हमारा जो इंडिकेटर वाला टॉपिक है वो फिनिश हुआ। अब आपको मैं कुछ एक पिक्चर्स दिखाना चाहता हूं, सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी और हो जाए। ये रही आपकी वो पिक्चर्स, जैसे हमने अभी बात करी ना, इंडिकेटर आर ऑफ टू टाइप, डाई ऑल्फैक्टरी। डाई जो है वो चेंज इन कलर में, और ऑल्फैक्टरी स्मेल का चेंज करके बताते हैं। वनीला और अनियन एक्सट्रैक्ट आर दी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल में लिटमस हो गया, रेड कैबेज हो गया, हल्दी हो गया, और सिंथेटिक में फिनॉल फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। जैसे यहाँ पे ये लिटमस है, ये पर्पल से जब इसको एल्कली में डाला, एल्कली किसको बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस को बोलते हैं। जब लिटमस को वाटर सॉल्युबल बेसिस के सॉल्यूशन में डाला तो देखो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, और लिटमस को जब एसिड में डाला तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली ये जो टर्मरिक पाउडर है, ये जो हल्दी का दाग लगा हुआ टी शर्ट पे, मैंने ये इसलिए दिखाया ये क्योंकि इसके ऊपर अगर सोप सॉल्यूशन डालोगे तो इट विल टर्न रेड ब्राउन, क्योंकि टर्मरिक जो है बेस की प्रेजेंस में रेड ब्राउन हो जाती है। फिनॉल फथलीन की ऐसी शीशी आती है, उसको जब बेस में डालोगे तो ऐसा पिंक आ जाता है, और अगर एसिड में डालोगे तो वो कलर ऐसी रहता है। मिथाइल मिथाइल ऑरेंज जो है, अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर देखो ऑरेंज है, इसको अगर एसिड में डालोगे इट विल कन्वर्ट रेड, और अगर बेस में डालोगे इट विल कन्वर्ट येलो, ठीक है। इनके अलावा कई सारे और इंडिकेटर भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही इंडिकेटर है, दुनिया यहीं पे खत्म हो गई, इसके अलावा है ही नहीं दुनिया में कुछ और, कई सारे इंडिकेटर हैं, जैसे मिथाइल रेड भी होता है, ठीक है, और भी कई सारे इंडिकेटर होते हैं हमारे पास, बट आपके अभी 10th लेवल पे हमने यही 3 इंडिकेटर पढ़ने हैं, और वैसे भी यही तीनों इंडिकेटर ज्यादातर यूज होते हैं लैब्स में, ठीक। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में वनीला और अनियन एक्सट्रैक्ट ये तो बता ही दिया, और एल्कली का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हों उनको एल्कली बोलते हैं। ओके, और उसके बाद सबसे एंड में यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे ये अभी हमने जो पीछे इंडिकेटर पढ़े, ये वाले लिटमस हो गया, फिनॉल फथरीन हो गया, ये तो आपको सिर्फ ये बताएंगे कि सब्सटेंस एसिड है कि बेस, दैट्स इट। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये आपको ये भी बता सकता है कि अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन ऑल्सो टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस तो बता ही देगा, साथ में ये भी बता देगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक। ऐसे इंडिकेटर को बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो दैट्स इट अबाउट इंडिकेटर्स।